हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल माजी में। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ उसके बगल की घंटी को दबा दें। इससे क्या होगा कि हम जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी वीडियो लेकर आएंगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हेलो दोस्तों, अगर आपको अपना वार्ड नंबर पता है तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप उस वार्ड नंबर के जरिए पूरा जो वार्ड है आपका, उस पूरे वार्ड का जो वोटर लिस्ट है उसे आप मोबाइल से कैसे डाउनलोड करोगे। तो इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी किसी भी वार्ड नंबर को डाल करके पूरे वार्ड का वोटर लिस्ट आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए आइए जानते हैं कैसे आप डाउनलोड करेंगे। हम आपको मोबाइल में बताएंगे कि आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, ठीक है, सारा चीज क्या क्या भरना होगा, कौन सा वेबसाइट में जाना है, तो सारी जानकारी आपको हम जो है वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो चलिए आइए जानते हैं। वहां पे सर्च कीजिए sec.bihar.gov.in। आप स्पेलिंग देख सकते हैं, या फिर अगर आपको लिखना नहीं आता है, टाइप करना नहीं आता है, तो हम इस वेबसाइट का लिंक आपको डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। आप उस लिंक पर क्लिक करके भी जो है इस वेबसाइट तक डायरेक्ट पहुंच सकते हैं, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई भी परेशानी ना हो। जी हाँ, अब आपको देखिए वेबसाइट ओपन हो चुकी है। वेबसाइट ओपन होने के बाद इसको थोड़ा सा जूम करना है। जूम करने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, देखिए पंचायत वोटर लिस्ट 2021, इस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आप अपने जिला का नाम पे क्लिक करके अपना जिला सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए हम यहाँ क्या करेंगे, अपने जिला को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद प्रखंड का नाम पे क्लिक करके आप अपना प्रखंड सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर अगला जो है पंचायत का नाम, तो उस पर क्लिक करके आप अपना पंचायत सेलेक्ट कर लीजिए। जब आप पंचायत सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर लास्ट आ जाता है वार्ड संख्या। यही तो सबसे असली काम है, यही तो आपको वार्ड संख्या देना है ठीक से। यहाँ पर अगर आप अपना वार्ड संख्या दे दोगे तो आप अपने जो है पूरे वार्ड का वोटर लिस्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो आप क्या करो, अपने जो है वार्ड संख्या यहाँ पर सेलेक्ट कर लो जो भी है। उसके बाद डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक कर लीजिए। जब आप डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड सक्सेस हो जाएगा। उसके बाद आप अपने ब्राउजर के डाउनलोड वाले ऑप्शन पर जा करके देखेंगे कि यहाँ पर जो है ये डाउनलोड हो जाएगा। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये पीडीएफ के रूप में ओपन हो जाएगा और यहाँ पर इस लिस्ट में आपको सारा जो है नाम देखने को मिल जाएगा। आपके वार्ड में जितने भी जो है वोट देने वाले हैं वो सारा नाम यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने पूरे वार्ड का वोटर लिस्ट इस तरह से निकाल सकते हो, और वो भी मोबाइल से। तो हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सो फ्रेंड, थैंक यू। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ ऐसे ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक।